गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टेरोटाइप्स। स्टेरोटाइप्स मीन्स होता है रूढ़िवादिता। अब यहाँ क्रिएटिंग मीन बनाना, रूढ़िवादिता बनाना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो हमारी सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी स्टेरोटाइप्स थे और ये बहुत सारे व्याप्त थे। और जो हमारा प्रचलन, अगर हम देखें प्रचलित रूपरेखा में, तो हमारे पास आज भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं जो स्टेरोटाइप्स को बढ़ावा देते हैं। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल लें तो जैसे हमारे गर्ल्स होती हैं, कहते हैं उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं और वो धीरे बोलती हैं, नर्म बोलती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उनको कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाना आना चाहिए और ड्राइंग में उनकी गहरी इंटरेस्ट होता है। वे ऐसा भी माना जाता है कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोने भी लग जाती हैं। उन्हें घर के सभी कामों को सीखना चाहिए, ऐसा हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें माना जाता है। और सेकेंडली अगर इसमें कंपेयर करें बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ को हमेशा माना जाता है बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, आक्रामक होते हैं। और ये भी माना जाता है कि उनको आउटडोर गेम्स यानी कि घर से बाहर खेलना चाहिए। उन्हें बहुत सारे साहसिक जो गेम्स होते हैं उनमें उनकी गहरा इंटरेस्ट होता है और वो अगर वो रोएंगे तो बोलेंगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं इसलिए वो रो भी नहीं सकते। हालांकि लड़के बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए और रोना जो होता है वो कमज़ोरी की ओर संकेत करता है। जब एक बॉय एडल्ट हो जाता है यानी कि वो वयस्क हो जाता है तो वह घर के बाहर पैसा कमाने के लिए जाना शुरू कर जाता है। ये माना जाता है कि बॉयज़ स्ट्रांग भी होता है, बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, बॉयज़ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो जितने भी साहसिक कार्य होते हैं बहादुरी वाले वो सब कर सकता है। अब देखिए, अब यहीं पर आपको दोनों में डिफरेंसेस हुए। रूढ़िवादिता है कि लड़कियों को पहले से ही कमज़ोर माना गया और लड़कों को स्ट्रांग माना गया। लड़कियों को कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं, बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, अगर जो रोते हैं तो उनका कमज़ोर माना जाता है इसलिए वो मजबूत होते हैं और उन्हें रोना नहीं चाहिए। और जब वो एडल्ट हो जाते हैं बॉयज़, तो माना जाता है कि वो घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं ताकि वो घर को पूरी तरीके से चला सके। इसीलिए जैसे जेंडर्स बेस्ड यानी कि लिंग आधारित जो स्टेरोटाइप्स है उसको हम देखते हैं। और इसके अलावा भी हम जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में देखा, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं रूढ़िवादिता, जैसे कि हमारे रिलीजियस में होता है, हमारी कास्ट में होता है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे स्टेरोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता हमारे पूरे सोसाइटी में पाई जाती हैं।